2020 पेपर 3 वेरिएंट इज 3-1. वी आर सॉल्विंग दिस पेपर. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज सॉल्व द इनइक्वालिटी 2 माइनस 5x इज ग्रेटर देन 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 3. इस इनइक्वालिटी में मॉडुलस है तो सो वी विल टेक स्क्वायर ईच साइड ऑफ द इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी इज 2 माइनस 5x greater than 2 into x minus 3. Taking square each side, 2 minus 5x square 2 into x minus 3 whole square. Expanding by using identity, इसको भी expand करेंगे और इसको भी expand करेंगे. Left side becomes 4 plus 25x square minus 20x greater than, यहां पे 2 का भी square होगा और x minus 3 पे भी square होगा. 2 का square है 4, तो ये 4. अब हम x minus 3 को expand करेंगे, x minus 3 square को expand करेंगे, this becomes x square plus 9 minus 6x. 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. लेफ्ट साइड को अभी ऐसे ही लिख लें, 4 प्लस 25x स्क्वायर माइनस 20x ग्रेटर देन 4x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 24x. राइट पे जो टर्म्स हैं तीनों वो लेफ्ट पे ले आते हैं, इनके साइन चेंज हो जाएंगे. 4 प्लस 25x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 36 प्लस 24x ग्रेटर देन 0. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स वी गेट 21x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इज ग्रेटर देन 0. अब यहां पे ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, यहां पे स्क्वायर आ गया तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है. तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यूज फाइंड करनी है. इनइक्वालिटी को हम बाद में एडजस्ट करेंगे, पहले हम यहां से x की वैल्यूज फाइंड करेंगे. 21x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0. या तो हम यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइज करना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लें, या आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो यहाँ पे. तो वी यूज कैलकुलेटर वी गेट टू वैल्यूज ऑफ x. x इज इक्वल टू 8/7 और x इज इक्वल टू माइनस 4/3. अब इसको हम फैक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं तो यहां से आएगा x माइनस 8/7 इंटू, और यहां से आ जाएगा x प्लस 4/3 इज ग्रेटर देन, इसके फैक्टर बनाए हमने, फैक्टर ये बन गए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज ग्रेटर देन 0. नो द फंक्शन इज दिस, दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ y, दिस इज अ फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, फैक्टर फॉर्म में हमने लिखा है. तो ये दीज आर द क्रिटिकल वैल्यूज. तो सिंस द प्रोडक्ट ऑफ
टू फैक्टर्स, हेंस द फंक्शन इज ग्रेटर देन जीरो मीन पॉजिटिव। तो हम जस्टिफाई करने के लिए एक स्केच बनाएंगे। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, क्वाड्रेटिक कर्व और क्रिटिकल वैल्यू स्मॉलर वैल्यू जो है हमने यहां पे लिखनी है और लार्जर वैल्यू यहां पे। स्मॉलर वैल्यू इज -4/3, लार्जर वैल्यू इज 8/7। तो सॉल्यूशन सिंस द प्रोडक्ट इज सिंस द फंक्शन इज पॉजिटिव तो सो सॉल्यूशन विल बी दिस वैल्यू इज -4/3 और दिस वैल्यू इज 8/7। तो सॉल्यूशन विल बी अवे फ्रॉम दिस। अब हमने जस्टिफाई करना, ये इस एरो से हमें पता चलता है कि या एक्स जो है ग्रेटर देन 8/7 और दिस एरो शोज दैट एक्स इज लेस देन -4/3। ये दो वैल्यूज आई हैं हमारे पास, दो टू सेट ऑफ वैल्यूज। अब हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है और कौन सी नहीं करती। दिस वैल्यू डज नॉट सेटिस्फाई, ये वैल्यू जो है ये नॉट एप्लीकेबल है, ये सेटिस्फाई नहीं करती बिकॉज ओनली द आंसर इज दिस। ओनली द आंसर इज दिस। अब हमने ये कैसे पता चलता है कि ये सेटिस्फाई नहीं करती। ग्रेटर देन 8/7 है, कोई सूटेबल वैल्यू ले लें 8/7, ग्रेटर देन 8/7। सपोज वी आर टेकिंग, हमने इसको सिर्फ चेक करना है कि ये वैल्यू सेटिस्फाई क्यों नहीं करती। ग्रेटर देन 8/7 कोई वैल्यू लेते हैं, सपोज हम x इज इक्वल टू ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2। तो अब ओरिजिनल इनक्वालिटी में यहां पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू, देखना यह है कि ये सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो 2 2 लेफ्ट साइड इज 2 -5, x इज 2 ग्रेटर देन 2 इंटू 2 -3। हमने x की वैल्यू 2 पुट की ओरिजिनल इनक्वालिटी में, तो लेफ्ट साइड बिकम्स -8, राइट साइड बिकम्स, ये देखें 2 -3 -1 है, -1 का मॉडुलस वो 1 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 2 आ जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्योंकि -8 जो है वो ग्रेटर देन 2 नहीं होता, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो ये हमने सिर्फ ये वैल्यू x इज इक्वल टू सिर्फ चेक करने के लिए लिए, तो सो ये 8/7 जो है दिस इज नॉट द सेट ऑफ वैल्यूज विच सेटिस्फाई द अबव इनक्वालिटी। ये ग्रेटर देन 8/7 हमारा आंसर नहीं होगा, ओनली द आंसर इज x इज लेस देन -4/3।